हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 8 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो हमें बताना है कितने लीटर वाटर वो होल्ड करेगी। यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? की वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितनी है? लेंथ है 8 मीटर। हमारी जो वाटर टैंक है वो क्यूबॉइडल है, तो यही हमारा फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का। तो 8 मीटर है, ब्रेथ इसकी हमारे पास 4 मीटर है और हाइट इसकी 3 मीटर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक बराबर हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 8 × 4 × 3, मतलब 8 × 4 = 32। 32 × 3 कितने होते हैं? 32 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 96 m³। हमें बताना कितना लीटर वाटर आएगा इसमें। यहाँ पे मीटर क्यूब में नहीं, लीटर्स में बताना है। तो यहाँ एक हमारे पास एक वो होती है कि 1 m³ वॉल्यूम जो होता है वो उसमें कितना लीटर पानी आता है? 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वाटर है? यहाँ पर है 96 m³ है वॉल्यूम। तो 96 m³ इज इक्वल टू हो जाएगा 96 × 1000 लीटर, इज इक्वल्स टू 96,000 लीटर वाटर कंटेन करेगी। सो यहाँ पर क्या आएगा? वाटर टैंक होल्ड 96,000 लीटर वाटर। ओके, यही क्या करना था हमें, फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज वाटर टैंक होल्ड 96,000 लीटर वाटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।